नमस्कार, वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,51,000 नए मामले, 3,47,000 रिकवर, महामारी से 627 लोगों की मौत, एक्टिव मरीजों की संख्या 21,05,000 हुई। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में कोविड 19 के सर्वाधिक मामले, देश के 400 जिले दे रहे टेंशन, कोविड पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा, संक्रमण में वृद्धि को रोकने के लिए सतर्कता बरतने की जरूरत। देश में ओमिक्रॉन के पहले वर्जन BA.1 की तुलना में दूसरा वर्जन BA.2 ज्यादा तेजी से फैल रहा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, इसी वजह से आया कोरोना संक्रमण में उछाल। केरल के एर्नाकुलम जिले के अलुवा स्टेशन में एक मालगाड़ी के 3 डब्बे पटरी से उतरे, मालगाड़ी के पटरी से उतरने पर कई ट्रेनें रद्द, कई ट्रेनें 6 घंटे से ज्यादा देरी से चल रही। बलूचिस्तान में सुरक्षा चौकी पर आतंकवादी हमला, 10 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत, फॉलो अप क्लियरेंस अभियान के दौरान 3 आतंकी गिरफ्तार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा उनकी पार्टी पंजाब विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के चेहरे के साथ उतरेगी, पार्टी कार्यकर्ता उसे परामर्श करने के बाद जल्द ही इस बारे में फैसला किया जाएगा। पूर्व भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने मथुरा में किया डोर टू डोर जनसंपर्क, बिजनौर में घर घर किया सीएम योगी का प्रचार, जनता से कमल पर वोट देने की अपील। कांग्रेस ने मणिपुर में भाजपा से मुकाबला करने के लिए 5 अन्य राजनीतिक दलों के साथ मिलकर बनाया चुनाव पूर्व गठबंधन, 59 विधानसभा सीटों पर खड़ा करेंगे साझा उम्मीदवार। मध्य प्रदेश में शीतलहर, मौसम विभाग ने दी अगले 2 दिनों तक भीषण ठंड की चेतावनी, भोपाल, जबलपुर, रीवा समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट, इंदौर, अलीराजपुर, बड़वानी समेत कई स्थानों पर ऑरेंज अलर्ट। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के यान ने खोजा मंगल ग्रह पर पानी, वहां पर पानी की वजह से बहकर आए स्लॉट मिनरल्स मिले, इनके निशान मंगल की सतह पर सफेद रंग की लकीरों के रूप में देखे जा सकते हैं। यह थे फटाफट बुलेटिन, ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और विजिट कीजिए webdunia.com। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।